हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टैंड समथिंग में। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं हम आ चुके हैं पारसनाथ और ये है पारसनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हमारा जर्नी जो कि करीब 10 किलोमीटर होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए मेरा दोस्त, मेरा भाई जो कि डोडो टेक्निकल से है, वो हमारे साथ जा रहे हैं और अभी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं माइक वगैरह की। तो और हमारे साथ यहाँ पे है मेरा भाई, देख सकते हैं इन्हें, मैट्रिक्स गेमिंग। तो दोस्तों करीब 1 किलोमीटर आने के बाद हम लोग को इतना सारा गर्मी लगने लगा कि सारा जैकेट्स और मफलर्स वगैरह उतार देना पड़ा। आपको बता नहीं सकते कि हम लोग जब आ रहे थे बाइक पे ग्रीडी से, जब चले थे तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि हम लोग को बीच में रुक के चाय वगैरह पीने के बाद आग में हाथ दे देते थे। आग में हाथ भी मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आग में हाथ दिए हुए। तो दोस्तों 2 किलोमीटर आने के बाद फाइनली हम लोग एक जगह पे पहुंचे हैं जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ, जिसका नाम है कालीकुंड तीर्थधाम। तो देख सकते हैं आपका आप यहाँ से व्यू, इसका बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो दोस्तों करीब 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को एक चौपारण जगह से कई सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे तरफ से आ रहे हैं। हमारे डोडो टेक्निकल के फ्रेंड बहुत सारे मस्ती करते हुए जा रहे हैं, देख सकते हैं कि ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग 10 से 15 किलोमीटर का ट्रेवल करेंगे। तो दोस्तों फाइनली 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को थोड़ा सा झलक मिला है पारसनाथ मंदिर की, जो आप देख सकते हैं वो जो एकदम टॉप पे देख रहे हैं वहीं पे हम लोग को पहुंचना है। अभी हम लोग 5 किलोमीटर आ चुके हैं और करीब मेरे ख्याल से 9 to 10 किलोमीटर और जाना है, तब वहां जाके हम लोग पहुंचेंगे। तो चलिए और चल के मजा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हिल के टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को मंदिर पहुंचने में कुछ दूर है। यहाँ हम लोग अभी टॉप पे आए हुए हैं, यहाँ से फिर इस रास्ते से, ये जो देख रहे हैं इस रास्ते से हम लोग जाएंगे जलकुंड।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जल मंदिर, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है। मैं इसका कुछ फुटेज आपको दिखाता हूँ हमारे रियल कैमरे से। तो दोस्तों अबाउट 15 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं यहां पे। जो देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है यहां का मंदिर। बस तो दोस्तों फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर का सीढ़ी है, से चल के आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं। और हम भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि किस तरह का व्यू रहेगा वहां का और क्या चीज नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और चलिए दिखाते हैं मंदिर के अंदर किस तरह का व्यू आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही पीसफुल मंदिर है, आपको यहाँ आके एकदम सा शांति फील होगा। और चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम शक्ति बोलो सराक, मैं जाती हूँ सराक। अच्छा जो तो, जी जी तो आप यहाँ कब से हैं? यहाँ हम 2000 से ना। पंडित जी आप यहीं पे रहते हैं या नीचे आपको जाना पड़ता है? यही नीचे डाक बंगला जो है यहाँ इनका घर बना हुआ है। और आप यहाँ कब कब पूजा करते हैं, कैसे करते हैं जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। यहाँ नहा धो के 6 बजे आ जाते हैं। जी बिल्कुल 6 बजे आके यहाँ 7 बजे सब कुछ सामग्री तैयार करते हैं। जी हाँ जी हाँ। नीचे से आता है ऑनलाइन में पूजा होता है अभी। अच्छा ऑनलाइन भी पूजा हो जाता है? अभी 9 बजे ऑनलाइन पूजा होता है। अच्छा अच्छा। यहाँ जो है जिनवानी चैनल में ऑनलाइन पूजा होता है। अच्छा तो पंडित जी क्या लॉकडाउन में आप यहीं थे या अपने घर चले गए थे? नहीं यहीं पे थे पंडित जी। मतलब तो पंडित जी लॉकडाउन आपको कैसा लगा? यहाँ पे तो लोग नहीं आ रहे थे। यहाँ लोग नहीं है, हम लोग पूजा करते थे। जी जी जी। डाक बंगला चल जाते जी जी जी। तो दोस्तों इतना सारा बात करने के बाद थोड़ा पंडित जी को टाइम देते हैं। बहुत सारे दर्शन करने वाले लोग भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। क्या आप कभी पारसनाथ गए हो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।